आप सुन रहे हैं सहर विद कामिनी खन्ना। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपतये नमः। गणेश जी का नाम लेके आज बलि प्रतिपदा, हिंदू सनातन न्यू ईयर, वही पूजन, विक्रमी संवत 2080, राक्षस नाम संवत्सर, महावीर जैन संवत 2550, अन्नकूट, गोवर्धन पूजा, दिवाली, पाड़वा और बलि प्रतिपदा की मैं कामिनी खन्ना देती हूँ ढेर ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। गणेश जी का नाम लेके शुरू कीजिए, श्री गणेशा कीजिए यह नया साल। रेजोल्यूशंस कीजिए कि अब आपको कैसे चलना है जीवन में, आपके क्या पद चिन्ह ऐसे हो सकते हैं जिस पे लाखों लोग चलें। सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। मैं कामिनी खन्ना सहर करके मैं आप सभी के साथ। आज वृश्चिक राशि में चंद्रमा अहोरात्र 14 नवंबर 2023, नक्षत्र है अनुराधा देर रात्रि तक, मंगलवार है। थोड़ी ही देर में हम जानेंगे मेष से लेके मीन राशि पर नीच के चंद्रमा वृश्चिक और अनुराधा नक्षत्र शनि का नक्षत्र, इसका असर क्या हो रहा है। मेष राशि, आपके लिए बलि पूजा करनी है लेकिन महामृत्युंजय की शुरुआत में एक माला करके, उससे आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। गणेश जी का नाम भी लेना भूलना नहीं है। आज का बलि पूजन आप कर सकते हैं साथ में वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा बोल के। वृषभ राशि, अगर आप आज माता की आराधना करें, दुर्गा का नाम लेके वही पूजन करें तो आपके जीवन में सुख शांति, और साथ में श्री कृष्ण की आराधना करें और वही पूजन करें, गंग गणपते नमः लिखना ना भूलें। मिथुन राशि, आपके लिए आज का दिन वही पूजन करने के लिए माँ भगवती दुर्गा पराम्बा आदि शक्ति की आराधना आपको करनी चाहिए, और साथ साथ आप कर सकते हैं ओम महालक्ष्मी नमः के जाप, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, ये लिख कर ये पूजा आरंभ करें। कर्क राशि, आपके लिए आज अगर महामृत्युंजय का जाप शुरू करके अगर आप बलि पूजा करते हैं, प्रोवाइडेडली आप गणेश जी का नाम जरूर लें, तो आपका ये चौपड़ा पूजन बड़ा ही शुभ रहेगा आपके लिए। ये वही पूजन और भी शुभ बनाने के लिए आप गणेश जी और हनुमान जी का आवाहन कीजिए। सिंह राशि, आपके लिए भी गणेश जी और हनुमान जी का आवाहन बहुत शुभ रहेगा, और आप चौपड़ा पूजन कर सकते हैं अपनी माँ को साथ में बिठा कर और पिता को आदर देकर, तो ये वही पूजन बहुत ही शुभ जाएगा। कन्या राशि, अगर वही पूजन के दौरान यात्रा पर जाना पड़े तो आपको महामृत्युंजय का जाप करके निकलना है। अगर आप यात्रा पर नहीं जा रहे तो भी आप गणेश जी की आराधना या शिव जी की आराधना करके वही पूजन शुरू कर सकते हैं। तुला राशि, तुला राशि के लिए वही पूजन करते समय आप परिवारजनों के साथ बैठिए और साथ साथ आप महामृत्युंजय के जाप अवश्य कीजिए और गणेश जी का नाम लेके वही पूजन शुरू कीजिए। आप हनुमान जी के भी शरण में जा सकते हैं। वृश्चिक राशि, क्योंकि आज अनुराधा नक्षत्र और चंद्रमा वृश्चिक राशि में है इसलिए आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, इसलिए आप हनुमान जी की आराधना करके और गणेश जी की आराधना करके वही पूजन शुरू करें, सब निर्विघ्न होगा। धनु राशि, गणेश जी और हनुमान जी की आराधना आपके लिए अति उत्तम रहेगी, और वही पूजन करते वक्त अगर आपको लगे कि पिछले हिसाबों में बहुत ज़्यादा खर्च है तो इस साल अपने खर्च बचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा। मकर राशि, आपके कुछ काम ऐसे जो केसेस विवाद में अटके हुए थे, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम वही पूजन में बहुत प्रॉब्लम दे रही थी, तो आपको इस साल उसको ख़त्म करने की उलझनों को पूरा तिहैया करके शांति से एमिकेबली ख़त्म करके गणेश जी का नाम लेके या हनुमान जी का नाम लेके काम शुरू करना है। कुंभ राशि, कामकाज में कमियां नजर आईं और अपनी ही गलतियां नजर आईं तो आपको
महामृत्युंजय का एक माला करके गणेश जी का नाम लेके अपना वही पूजन शुरू करना है, ताकि आपके जीवन में आगे कोई कामकाज में त्रुटि ना हो, इसका भी प्रण करना है। मीन राशि। कुछ काम ऐसे थे जो आपने छोड़ दिए आधे अधूरे और आप आगे बढ़ लिए, ऐसा न कीजिएगा। और कोई अपनी गलतियां हैं तो मानिएगा, गणेश जी की और शिव जी की आराधना करके आप अपना वही पूजन स्टार्ट कर सकते हैं। बलि प्रतिपदा का पूजन का मुहूर्त 3:26 से लेकर 5:40 तक रहेगा। इस दौरान पूजा करना सर्वोत्तम है। मैं कामिनी खन्ना सहर कार्यक्रम में आप सभी के साथ। बलि प्रतिपदा का दिन आज सभी को शुभ जाए, ऐसी शुभ मंगल कामनाएं मेरी आपके साथ। फिर भी आज का दिन सबसे ज़्यादा कौन एंजॉय कर सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि मिथुन राशि वाले आज के दिन को काफ़ी एंजॉय कर सकते हैं। आप अगर अपनी हेल्थ संभाल लें थोड़ी बहुत, तो आपके लिए ये दिन बहुत ही ज़्यादा खुशियों वाला आ सकता है। गुड मॉर्निंग एंड वेरी 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 गुड मॉर्निंग। आइए मैं आपको सूर्य का वो उपाय जो मैंने कल बताया था कि सूर्य के आगे बैठ के ओम करने से क्या होता है, अब ओम जो है उसकी विस्तृत चर्चा मैं आगे के शो में करूँगी। फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि सूर्य के आगे ओम बोलने से उसके सभी चक्र जागृत हो जाते हैं जो बोलता है, और साथ साथ वो रोना बंद कर देता है, उसके अंदर के सारी जिजीविषा, उसके अंदर की हिम्मत हौसला सब जाग जाता है, और धीमे धीमे उसकी सब परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। प्रैक्टिकली देखा जाए तो D3 कैल्शियम पाता है और हड्डियों की भी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो आइए किसी एक की समस्या का समाधान ईश कृपा से किए देती हूँ। राधेश्याम जी बनारस से लिखते हैं कि बेटे की शादी अगले महीने है, बजट नहीं बन पा रहा है, क्या करूँ। नंबर दिया है इन्होंने 9। बजट यानी कि पैसा नहीं है आपके पास, इस बात की आपको चिंता है राधेश्याम जी। नंबर दिया है आपने 9 और आपके लिए पैसों का जुगाड़, बस आप समझ लीजिए कि करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अब जाकर पैसा खुला है आपका, अब पैसा आना शुरू होगा। आप ना हो तो महालक्ष्मी की आराधना कीजिए जो आपको फलित होगी, और जो पैसा आएगा उसको जमा करते जाइए, पैसे को इधर उधर ना करिए, क्योंकि पैसा थोड़ी थोड़ी देर में आएगा, एक साथ नहीं आएगा। हो गया जी इनकी समस्या का समाधान। फिर मिलूंगी इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है सहर।